कहानी लिखी गई थी और उनके दो बच्चे जो कि अब 37 और 39 ईयर ओल्ड थे, अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में से थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बिजनेस में दो तरीके के लोग होते हैं, एक खुशकिस्मत एक बदकिस्मत। जो बदकिस्मत लोग होते हैं वो भी बहुत बदकिस्मत नहीं होते, कम से कम इतनी किस्मत वाले तो होते हैं कि इस बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, पर थोड़ी किस्मत उनकी कम अच्छी होती है। उनको इस बिजनेस की सादगी के बारे में पता चलता है, सरलता के बारे में, सिंप्लिसिटी के बारे में कि जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर लो, कुछ नहीं लगता, हम सिखा देंगे पार्ट टाइम में, कर लो। इस बिजनेस के बारे में पता तो चला पर इसकी सादगी के बारे में पता चला। और जो खुश नसीब लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें इस बिजनेस के बारे में सादगी के बारे में तो पता चलता है पर साथ में इस बिजनेस की ग्रेटनेस, इसकी महानता के बारे में भी पता चलता है। मेरी खुश नसीबी बस इतनी थी कि वो जो लेडी आई थी जिसने बोला था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, सपोर्ट मिलेगा, पार्ट टाइम में होगा, घर से करोगे, मैं सिखाऊंगी, उसने साथ में ये भी कहा था कि इस बिजनेस के अंदर सब कुछ मिलता है। उसने वो मोटर मैकेनिक वाली फोटो दिखाई थी, उसने वो टीचर वाली फोटो दिखाई थी, उसने वो अमेरिका के 100 सबसे रईस बच्चों के माँ बाप ने 4 साल इस बिजनेस को किया था उसकी फोटो दिखाई थी। पहला ही इंट्रोडक्शन मेरा जो इस बिजनेस से हुआ, मुझे इस बिजनेस की महानता के बारे में पता चला। और जिस किसी को इस बिजनेस की महानता के बारे में पता चल जाता है ना, उससे अच्छा कोई आपके लिए कर नहीं सकता। मेरा आज कोई मकसद नहीं था, सारी की सारी मेरी फ्रेंड्स मिलकर के आज शाम को संगीत है, उसकी डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, स्टेज पर मुझे भी जाना है, मुझे भी डांस करना है, मेरे को डांस करना आता नहीं है, खड़ा हो फिर भी कर देंगे, पर मैं डांस की प्रैक्टिस करने की बजाय इस हॉल में स्टेज पर खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर बिजनेस की जो महानता मुझे पता है, वो महानता अगर आज आपके दिल के 7 दरवाजे खोल के अंदर चली गई ना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती।